नमस्कार दोस्तों, पहला मुकाबला शुरू होने से पहले ही कप्तान फॉफ डु प्लेसी ने पंजाब के खिलाफ प्लेइंग 11 का किया ऐलान। अब इन 11 शेरों के साथ पहले मुकाबले में कप्तान फॉफ डु प्लेसी उतरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच पहले मुकाबले को लेकर। और ऐसे में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का आगाज हो चुका है और आरसीबी और पंजाब का पहला मैच 25 मार्च को खेला जाएगा। और यहां पर पहले मुकाबले को लेकर कप्तान फॉफ डु प्लेसी ने पूरी तरीके से अपनी आधी टीम को चेंज कर दिया है और ऐसे ऐसे विस्फोटक और खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करवाई है, जो उनके आ जाने से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो दोस्तों, पहले महामुकाबले में किस प्रकार के प्लेइंग 11 के साथ पंजाब किंग्स को कुचलने के लिए कप्तान फॉफ डु प्लेसी उतरने वाले हैं, आज की इस वीडियो में इसी को लेकर बात करने वाला हूं। और फाइनल प्लेइंग 11 में किस किस को शामिल किया गया है यह भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और पहला महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप सब भी आरसीबी के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि आरसीबी और पंजाब के बीच आईपीएल 2024 का छठा महामुकाबला खेला जाना है, जो 25 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस महामुकाबले का टॉस 7:30 होगा और इस महामुकाबले की पहली गेंद 7:30 फेंकी जाएगी। और इस महामुकाबले में बारिश आने की भी कोई भी संभावना नहीं है, तो यह महामुकाबला हमें पूरा 20-20 ओवर का होगा। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। और अब यहां पर पंजाब किंग्स को हराने के लिए कप्तान फॉफ डु प्लेसी ने 4 ऐसे ऐसे खतरनाक और दिग्गज शेरों की एंट्री कराई है, जिसको देखकर पंजाब के खिलाड़ी थर थर कांप रहे हैं। और इस महामुकाबले को जीतने के लिए कप्तान फॉफ डु प्लेसी किस प्रकार के प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं और पूरा फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है। अगर ओपनिंग बैटल की बात करूं तो ओपनिंग बैटल के रूप में कप्तान फॉफ डु प्लेसी के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं पांचवे नंबर पर महिपाल लोमरो खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं छठे नंबर पर दिनेश कार्तिक विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं सातवे नंबर पर कैमरून ग्रीन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं आठवे नंबर पर अलजारी जोसेफ खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं नौवे नंबर पर करण शर्मा खेलेंगे, तो वहीं दसवें नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं ग्यारहवें नंबर पर यश दयाल खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आरसीबी की यह प्लेइंग 11 आप सबको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आईपीएल 2024 की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।